वेलकम टू जॉब्स पॉइंट स्टडी चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर से जीके क्विज की वीडियो लेके आया हूं। डेली बेसिस पर मैं आपके लिए जीके क्विज की वीडियो लेके आता हूं, जिसमें 10 मजेदार सवालों को हम डिस्कस करते हैं। तो आज ऐसी ही वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें हम 10 मजेदार सवालों को डिस्कस करेंगे, जिसके कुछ सवाल आपको स्क्रीन पर भी दिए हुए हैं। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं। कितने सवाल आपके सही हुए इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाए। दोस्तों चैनल से अभी आप तक आप जुड़े नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे 10 मजेदार सवाल। सबसे पहला सवाल आज के हमारी वीडियो का सबसे पहला सवाल है, सुनील दत्त जिनका असली नाम क्या है इसके बारे में आपको बताना है। क्या है सवाल? सुनील दत्त जिनका असली नाम क्या है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हैं। सबसे पहला नाम है राज दत्त, सेकंड ऑप्शन है बलराज दत्त, थर्ड ऑप्शन है राघव दत्त और लास्ट ऑप्शन है श्याम दत्त। तो बताना है सुनील दत्त जी का असली नाम क्या है। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा दोस्तों, पर इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सुनील दत्त जी का असली नाम क्या है? बलराज दत्त। नीचे इनकी फोटो भी दी है दोस्तों, इनका असली नाम क्या है? बलराज दत्त। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर टू। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। क्या है सवाल? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। तो चार यहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला ऑप्शन है अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है अफ्रीका और लास्ट है एशिया। तो आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फलों का राजा किस फल को कहते हैं आपको ये बताना है। क्या है सवाल? फलों का राजा किस फल को कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए नींबू, सेकंड ऑप्शन है केला, थर्ड ऑप्शन है आम और लास्ट ऑप्शन है संतरा। तो आपको बताना है इन चारों फलों में से कौन सा ऐसा फल है जिसे फलों के राजा के रूप में जाना जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आम एक ऐसा फल है जिसे फलों के राजा के रूप में जाना जाता है। नीचे इमेज भी दी है दोस्तों, सभी सवालों के आपको जवाब इमेज के सहारे आपको याद करने में आसानी होती है। चलते हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किस शहर की रोड का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर है। क्या है? आपको बताना है किस शहर की एक रोड का नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर है। तो आपको बताना है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क, सेकंड ऑप्शन है शिकागो, थर्ड ऑप्शन है वेलिंगटन और लास्ट ऑप्शन है टोक्यो। तो आपको बताना है इन चारों शहरों में से ऐसा कौन सा शहर है जिसकी एक रोड का नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर है। इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिकागो एक ऐसा शहर है जिसकी एक रोड का नाम जो है स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर है। क्वेश्चन फोर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शिकागो से है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सबसे पहला अपना क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने शुरू किया इसके बारे में आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हैं। सबसे पहला है SBI, सेकंड है CBI, थर्ड है PNB और लास्ट ऑप्शन है HDFC। तो इसमें बताना है इन चारों बैंक में ऐसा कौन सा बैंक है जिसने सबसे पहले अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, CBI मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने सबसे पहले अपना क्रेडिट कार्ड शुरू किया था। तो यहाँ पे इस सवाल का सही क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी CBI। चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर सिक्स। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विश्व की सबसे लंबी प्रवास यात्रा करने वाली चिड़िया का नाम आपको बताना है। क्या है सवाल? विश्व की सबसे लंबी प्रवास यात्रा करने वाली चिड़िया का नाम हमें बताना है। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्कटिक टर्न, सेकंड है ऑस्ट्रेलियन हर्मिंग, थर्ड ऑप्शन है बोरोबी और लास्ट ऑप्शन है जिम्बिका। तो बताना है चारों में से कौन सी चिड़िया है जो विश्व की सबसे लंबी प्रवास यात्रा तय करती है। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों।
दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्कटिक टर्न जो चिड़िया है, ये विश्व की सबसे लंबी प्रवास यात्रा करने वाली चिड़िया का नाम है इसका। तो आपको याद रखना है इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आर्कटिक टर्न। चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, चौकोर तरबूज जो है ये कहाँ पर उगाए जाते हैं ये आपको बताना है। क्या है सवाल? चौकोर तरबूज जो है ये कहाँ पर उगाए जाते हैं इसका नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में, सेकंड ऑप्शन है पाकिस्तान में, थर्ड ऑप्शन है जापान में, लास्ट ऑप्शन है चीन में। तो बताना है चारों जगहों में से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे चौकोर तरबूज उगाए जाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जापान एक ऐसी जगह है जहां पर चौकोर तरबूज उगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जापान। चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, सबसे तेज इंटरनेट स्पीड किस देश की है ये आपको बताना है। क्या है सवाल? सबसे तेज इंटरनेट स्पीड किस देश की है इसके बारे में आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, सबसे पहला ऑप्शन है रूस के, सेकंड ऑप्शन है पेरिस जगह की, थर्ड ऑप्शन है चीन की और लास्ट ऑप्शन है साउथ कोरिया की। इनमें बताना है चारों जगह में से ऐसा कौन सी जगह है जहां पे सबसे तेज इंटरनेट स्पीड मिलती है। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पे सबसे तेज इंटरनेट स्पीड है। तो इसमें इस देश की है साउथ कोरिया की, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन 8 का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 थे आज का हमारा, महिलाओं को ओलंपिक में कब प्रवेश मिला ये आपको बताना है कि महिलाओं का ओलंपिक में प्रवेश कब हुआ इसके बारे में आपको बताना है। तो चार दिए हैं आपको ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है 1890 को, सेकंड ऑप्शन है 1900 को, थर्ड ऑप्शन है 1908 को और फोर्थ ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है 1916 को। बताना है इन चार ऑप्शन में इस सवाल का सही जवाब क्या है, आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1900 को महिलाओं को ओलंपिक में प्रवेश मिला। आपको याद रखना है 1900 को जो है ओलंपिक जो हुए थे इसमें महिलाओं का सबसे पहले प्रवेश हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 9th क्वेश्चन का सही जवाब है। चलते हैं हमारे अंतिम सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, AK-47 का पूरा नाम आपको बताना है। क्या है AK-47 जो गन है इसका पूरा नाम हमें बताना है। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑटोमेटिक कलेशनिकोव 47। 47 का मतलब क्या है, 1947 में आई थी इसलिए इसका नाम क्या हो गया 47, और AK-47 का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कलेशनिकोव 47 इसका पूरा नाम हो जाएगा। 47 का मतलब होता है 1947 में आई थी और इसके फाउंडर का नाम क्या है, मिखाइल कलेशनिकोव। इसी नाम पे यहाँ पर जो है कलेशनिकोव जो है इनका दिया हुआ है नाम और ऑटोमेटिक गन है ये। तो AK-47 इसका पूरा नाम क्या हो गया, ऑटोमेटिक कलेशनिकोव 47। 47 मतलब क्या हो गया 1947, इसके फाउंडर का नाम नीचे दिया हुआ है। तो दोस्तों यह हमारा अंतिम सवाल था, कैसे लगे आपको आज के हमारे 10 मजेदार सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं। कितने सवाल आपके सही हुए सभी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाए, अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में जुड़ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका।